हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये हमारा साइंस में पहला वीडियो है और इसमें टॉपिक रहेगा ब्लड। ब्लड ही क्यों, क्योंकि देखिए साइंस में दो तीन ही टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें से कम एक क्वेश्चन तो आपका आना ही है। तो उसमें से एक टॉपिक है ब्लड, और इसमें लास्ट में हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाया है। उसमें आपके वो सभी क्वेश्चन रहेंगे जो आपके प्रीवियस किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है, ये मेरा पहला वीडियो है आपका साइंस पे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इससे कोई फायदा होता है तो ही मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज हमारा जो करंट अफेयर्स का पार्ट है और बैंकिंग का पार्ट है वो तो कंटिन्यू रहेगा ही सही। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ब्लड टॉपिक से सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रश्न, क्या ब्लड सभी ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतु में पाया जाता है? तो आंसर होगा जी नहीं, सभी में ब्लड नहीं होता। मतलब जो सिंगल सेल यानी कि सिंगल कोशिका वाले होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, उनमें ब्लड नहीं होता। जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक से ज़्यादा कोशिकाएं वाले जो भी जीव जंतु हैं, उनमें ब्लड होता है। अब ब्लड होता क्या है? तो अगर आप बोलते हैं कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि एक संयोजी ऊतक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं होगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक तो और भी होते हैं, जैसे कि बोन्स हो गया, हड्डियाँ हो गई, कार्टिलेज हो गया। तो ब्लड के लिए हम बोलेंगे ये ऐसा संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लो करते हैं, और ब्लड ही एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारी बॉडी में, यानी कि संयोजी ऊतक होता है हमारी बॉडी में जो सबसे अधिक पाया जाता है। तो चलो ब्लड के कुछ सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड देखते हैं। देखो, जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि एक तरल पदार्थ संयोजी ऊतक है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4, जो कि रक्त को अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि क्षारीय बनाता है। आपको पीएच वैल्यू का पता है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो 7 पे होता है वो न्यूट्रल, जो 7 से कम होता है वो एसिडिक, जो 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय यानी कि अल्कलाइन। तो 7.4 वैल्यू इसको क्या बनाता है, हल्का क्षारीय अल्कलाइन। अगर बात करें शरीर में कितना खून होता है, तो आपके शरीर में आपके वजन का 7 से 10% खून होता है। अगर मान लो आपका वजन है 70 किलो, तो आपके अंदर कितना खून होगा, 5 से 7 लीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पुरुषों में, एक मैच्योर मेल यानी कि एक वयस्क पुरुष में कितना खून होता है, तो 5 से 6 लीटर, वही बात आ गई। वही महिलाओं की बात करें तो पुरुषों से आधा लीटर कम ही खून होता है उनमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं यानी कि फंक्शन ऑफ ब्लड, तो पहला है शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स या जो भी गैसेस हैं उन्हें लाने ले जाने का, यानी कि उनके परिवहन का, उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है। एंटीबॉडीज बनाता है कौन, WBC, ये हम आगे देखेंगे जब WBC पढ़ेंगे। ब्लड हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। हमने रक्त को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमने कहा रक्त दो चीज़ों से बना होता है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कोशिकाएं, यानी कि ब्लड सेल यानी कि ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है फ्रेंड्स, और जो रक्त कोशिकाएं हैं वो सॉलिड पार्ट होती हैं आपके ब्लड का, यानी कि दृढ़ हिस्सा होती हैं आपके ब्लड का। तो प्लाज्मा की बात करते हैं, तो प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है, तरल पदार्थ होता है। याद रखना ब्लड में 55% प्लाज्मा है, तो बचा हुआ 45% रक्त कोशिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स होते हैं। देखो, हो सकता है आपने अगर कहीं पढ़ा हो कि ब्लड में प्लाज्मा तो 60% होता है और ब्लड सेल्स 40%, तो ऐसा नहीं है। जो मैं बता रहा हूं वो याद रखें, मैं NCERT बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, और एग्जाम में आपका NCERT ही फॉलो किया जाता है, फिर आपने कहीं से ही पढ़ा हो डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता, NCERT को फॉलो करेंगे, वो मैंने आपको बताया है। तो प्लाज्मा याद रखना कितना होता है, 60%, और बाकी आपके सेल्स कितने हो गए, ब्लड सेल्स 40%, रक्त कोशिकाएं। तो हमने कहा प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट, तरल पदार्थ होता है। तो लिक्विड से, तरल से हम क्या समझते हैं, पानी। तो हाँ, आप सही समझे, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा यानी कि 90% पानी होता है और बाकी 10% अलग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया। 10% के अंदर क्या क्या आएगा, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज, मिनरल्स, ये सब 10% के अंदर आएंगे। अब प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन। देखो, जो एल्ब्यूमिन है वो सबसे ज़्यादा, इन सब में सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, और इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। तीसरे नंबर का जो फाइब्रिनोजन है वो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है, यानी कि ब्लड कोटिंग में। देखो, इन सभी प्रोटीन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर के दो ध्यान रख लेना जो मैंने बताए हैं। एल्ब्यूमिन इसे याद रख लो ऐसे, ऑल वुमेन, सभी महिलाएं, ऑल वुमेन, ठीक है, ये सर्वाधिक होता है। और तीसरे नंबर का फाइब्रिनोजन, फाइबर से याद रख लो, फाइब्रिनोजन, ठीक है। अगर आपको दो भी याद नहीं हो रहे तो कम से कम एक तो याद कर लेना, फाइब्रिनोजन, ठीक है, उसको ज़्यादा महत्व देना फाइब्रिनोजन को, ठीक है। अगर हम बात करें प्लाज्मा का क्या काम होता है या प्लाज्मा क्या काम करता है,
तो इसका परिवहन का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। मतलब बॉडी में जो भी डाइजेस्टेड फूड है, पचा हुआ जो भी खाना है, या हार्मोन्स हो गए या ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं ये वाली, उनके परिवहन यानी कि उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? प्लाज्मा के थ्रू ही होता है। देखो आप इनको बिल्कुल भाषा में समझो, सिंपल भाषा में, मेरे सामने एक नदी बह रही है, नदी में क्या है? पानी। अब मैं सॉलिड हूँ, वो तरल है, मैं नदी में यहाँ पे कूदा तो कहाँ से निकलूंगा? आगे कहीं दूसरी जगह से निकलूंगा। तो नदी क्या कर रही है, वो पानी क्या कर रहा है? मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेकर के जा रहा है। तो उसी तरह का काम आपके प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पानी होता है, 90%। वो क्या करता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं या जो भी घुले हुई चीज़ें हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है बॉडी में, ठीक है। तो सिंपल भाषा में हमने समझा, प्लाज्मा इन सभी को, जो भी हमने कहा डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, ब्लड सेल्स हो गए, इन सभी को ब्लड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है। इसके अलावा ये जो प्लाज्मा है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और बॉडी पे अगर कहीं घाव हो जाए मतलब चोट लग जाए, तो घाव भरने का काम भी प्लाज्मा ही करता है। याद रखना फ्रेंड्स, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिनोजन पढ़ा था हमने प्रोटीन में, अगर वो प्लाज्मा में से अलग कर दिया जाए, तो बचा हुआ जो भाग होगा उसे सीरम कहा जाएगा। तो हमने रक्त के दो हिस्से करे थे, एक को बोला प्लाज्मा, एक को बोला रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स या कॉर्पोसेल्स। प्लाज्मा 55% होता है और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 45% होती हैं। अब रक्त कोशिकाओं यानी कि ब्लड सेल कौन कौन सी होती हैं ये देखते हैं। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं बोल दीजिए, और एक प्लेटलेट्स। अब एक एक करके देखते हैं। उससे पहले देख लो, जो आरबीसी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 90%। उससे कम होता है प्लेटलेट्स, और सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी। ये कम तो होता है डब्ल्यूबीसी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ये नहीं होगा तो यूँ समझ लो हम तो मर ही जाएंगे, ठीक है, तो हल्के में मत लेना। आगे देखते हैं, आरबीसी की बात करते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। इसका साइंटिफिक नेम है एंथ्रोसाइट। याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो साइंटिफिक नेम साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। एंथ्रोसाइट साइंटिफिक नेम होता है आरबीसी का। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें लोह युक्त रंजक यानी कि पिगमेंट कौन सा, हीम होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन ही लंग्स यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू यानी कि कोशिकाओं तक लेके जाता है, और वापस बॉडी टिश्यू यानी कि कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स यानी कि फेफड़ों तक लेकर आता है। तो हम जानते हैं हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है, आरबीसी में। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आरबीसी शरीर में सभी कोशिकाओं यानी कि सेल्स में ऑक्सीजन पहुँचाने तथा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का कार्य करता है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया, देखो यहाँ मैंने क्या कर दिया, हीमोग्लोबिन का संधि विच्छेद कर दिया, तो क्या बन जाएगा, हीम और ग्लोबिन। ये जो हीम होता है ये आयरन है, दिस इज आयरन, और कौन सा आयरन, तो Fe+2। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कहीं पूछा गया है ये कि कौन सा वाला है, तो Fe+2 याद रखना। और इसी आयरन के कारण आपके ब्लड का रंग यानी कि उसका कलर लाल होता है। ग्लोबिन की बात करेंगे तो दिस इज अ प्रोटीन, ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन का काम करता है बॉडी में, ठीक है। तो याद रहे फ्रेंड्स, अगर बॉडी में यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया और जॉन्डिस यानी कि पीलिया नामक रोग हो सकता है। आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाल लाल आपको दिख रहे हैं आरबीसी, अगर ये कम हो जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया। अगर ये बराबर है तो आपकी बॉडी नॉर्मल है, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता, इसीलिए आरबीसी का क्लोन तैयार नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मान लो अगर आपने क्या कहा अभी, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर आरबीसी में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता तो क्या होता, कुछ फर्क पड़ता? तो आंसर है इतना फर्क पड़ता कि हम जिंदा रहना मुश्किल हो जाता हमारा। देखो कैसे, आरबीसी का काम क्या होता है, शरीर में सभी कोशिकाओं यानी कि सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। पर अगर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता, केंद्रक होता, तो आरबीसी की जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की यानी कि धारण करने की जो शक्ति थी, जो मात्रा है, वो कम हो जाती, ठीक है। तो ढंग से वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले पाता, तो हम ढंग से सांस नहीं ले पाते, सांस नहीं ले पाते तो मर ही जाते। तो याद रखना, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है,
और हमने ये भी देख लिया अगर होता तो क्या होता, ठीक है। तो आपको तो ये वन लाइनर याद रखना है, न्यूक्लियस नहीं होता किसमें, आर बी सी में, यानी कि केंद्रक। पर यहाँ पे एक अपवाद भी है, और एक नहीं इसमें दो अपवाद है। अपवाद मतलब होता है एक्सेप्शन। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है। लामा क्या होता है, ऊंट को तो आप जानते ही हो, कैमल। लामा देखो ये चेहरे से तो ऊंट के जैसा लगता है, लेकिन जिस्म से बात करूं यानी कि इसकी बॉडी से बात करूं तो ये भेड़ जैसा लगने वाला एक जानवर है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो इनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए अगर बात करें कि आरबीसी का निर्माण यानी कि इसका जन्म कहाँ होता है, तो आंसर होगा बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में। अब हो सकता है ज़्यादातर लोगों को पता हो अस्थि मज्जा क्या होता है। देखो हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए लेकिन आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा कहाँ होती है, ये क्या होती है, तो जान लो हड्डी के बीच वाला जो पार्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, हड्डी के बीच वाला पार्ट वो खोखला होता है, और उसी खोखले पार्ट को बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, तीनों को एक साथ बता रहा हूँ, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण यानी कि जन्म कहाँ होता है, तो आंसर लगाना है बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा। और ये भी पता लग गया अस्थि मज्जा कहाँ होता है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। हमने पढ़ा ब्लड कहाँ बनता है, तो आंसर होगा बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में। लेकिन किंतु जब हम बात करते हैं भ्रूण की यानी कि फीटस की, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो याद होना चाहिए कि उस बेबी का सबसे पहले हार्ट बनता है, हार्ट यानी कि दिल बनता है, ठीक है, और सबसे आखिरी में उसकी बोन्स यानी कि हड्डियाँ बनती है। तो क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि अगर बोन्स हड्डियाँ सबसे आखिरी में बनी तो इतने समय तक ब्लड कहाँ पे बना, तो आंसर होगा उस समय ब्लड बनता है बच्चे के लीवर में। लीवर को शायद हिंदी में यकृत कहते हैं, तो वहां बनता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड में छाप लेना। अब आरबीसी का जन्म, सॉरी आरबीसी का जीवन चक्र यानी कि लाइफ स्पान यानी कि आरबीसी कितने दिनों तक जिएगा, तो आंसर होगा 90 से 120 दिनों तक, ठीक है। या इसे आप यूं भी कह सकते हैं 3 से 4 महीने के बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन बनेगा कि आरबीसी की डेथ कहां पे होती है, भाई जन्म कहां हुआ, तो अस्थि मज्जा बोन मेरो में। कितने समय तक जिया, तो 90 से 120 दिन तक जिया। अब मरेगा, तो मरेगा कहां पे, नष्ट कहां पे होगा, तो आंसर है स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। प्लीहा पाया जाता है स्टमक के नीचे, फोटो में आप देख सकते हैं यहां पे स्टमक के नीचे प्लीहा पाया जाता है, वहां इसका मृत्यु हो जाता है। कभी कभी आरबीसी लीवर में भी नष्ट हो जाता है, ऐसे ध्यान रख लेना। तो यहां पे देखो क्वेश्चन बनेंगे अब, तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को और भी दो नामों से जाना जाता है जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला नाम क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान। अब नॉर्मल सी बात है, कब्रिस्तान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे सारे आरबीसी आके खत्म हो जाते हैं, तो खत्म कहां होते हैं, कब्रिस्तान में। और दूसरा नाम इसे हम कहते हैं और क्या, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी यानी कि बॉडी का ब्लड बैंक भी इसे कहा जाता है, स्प्लीन को। अब हो सकता है आपके माइंड में ये बात आए कि आरबीसी यानी स्प्लीन यानी कि प्लीहा में आके नष्ट हो जाते हैं, तभी तो आरबीसी का कब्रिस्तान इसे कहते हैं, परंतु इसे ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्लड बैंक मतलब क्या होता है, ब्लड बैंक से आप क्या समझते हैं, वो जगह जहाँ से हम इमरजेंसी में ब्लड ले लेते हैं। लेकिन स्प्लीन यानी कि प्लीहा में तो आरबीसी की डेथ हो रही है ना, तो वहां ब्लड कैसे मिल सकता है, क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, आना भी चाहिए, ठीक है। तो चक्कर क्या है, ध्यान से सुनो, हमने कहा आरबीसी नष्ट हो जाते हैं प्लीहा यानी कि स्प्लीन में, परंतु सारे आरबीसी एक साथ नहीं मरते, इसीलिए इमरजेंसी कंडीशन में जब बॉडी को आरबीसी चाहिए तो वो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में से सही आरबीसी को ले लेती है, और इस तरह कुछ टाइम तक बॉडी सर्वाइव कर जाती है। यही कारण है कि स्प्लीन यानी कि प्लीहा को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आया कि आरबीसी का कब्रिस्तान या फिर ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, तो आंसर लगाइएगा प्लीहा यानी कि स्प्लीन। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी को। देखो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो श्वेत रक्त कणिकाएं या सफ़ेद रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, ये तो नाम की बात हो गई, इसका साइंटिफिक नेम भी होगा, ठीक है। आरबीसी का क्या था, एंथ्रोसाइट, फिर क्या था, ल्यूकोसाइट, और अब क्या होगा, इसका नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, सॉरी आरबीसी का था, एक बार फिर से सुन लिए, आरबीसी का था एंथ्रोसाइट, WBC का था ल्यूकोसाइट, मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं। WBC का साइंटिफिक नेम क्या है, ल्यूकोसाइट। WBC में
पिगमेंट यानी कि रंजक नहीं पाया जाता है, इसी कारण से इसका रंग सफेद होता है। WBC में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है, याद रखना है। इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है? WBC हमारी बॉडी में एंटीबॉडी यानी कि, देखिए एंटीबॉडी को जो हिंदी माध्यम के हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो कन्फर्म कर लेना, शायद प्रतिजैविक बोलते हैं, मैं थोड़ा कन्फर्म नहीं हूँ इसलिए आप लोगों को आगाह कर दिया। एंटीबॉडी तो समझ में आ रहा है ना, हिंदी में शायद इसे प्रतिजैविक बोलते हैं या प्रतिरक्षा कुछ ऐसा बोलते हैं। तो क्या करता है WBC, सुनिए, WBC हमारी बॉडी में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिजैविक बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं WBC। इसका काम ये होता है इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इन्फेक्शन यानी कि जो इन्फेक्शन होते हैं ना उनसे लड़ते हैं और हमें डिजीज बीमारियों से बचाते हैं। चलिए, तो मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, कौन? WBC। साथ में कहीं अगर घाव हो जाए, आपको चोट लग जाए, तो उसे भरने में मदद भी करते हैं, ठीक है। अब ऐसा कहीं माइंड में मत छाप लेना कि वो काम तो वो करता है, ठीक है, तो एक का ही वो ठेका नहीं है, थोड़े थोड़ी सभी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं WBC का निर्माण कहाँ होता है। तो WBC का निर्माण हम देख चुके हैं RBC की तरह ही बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। भाई RBC हो, WBC हो, प्लेटलेट्स हो, तीनों कहाँ जन्म लेते हैं? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में। परंतु जो WBC है उसकी मृत्यु कहाँ होती है अगर बात करेंगे, तो उसकी RBC की तरह उसकी डेथ स्प्लीन यानी कि प्लीहा में नहीं होती। अब आप ये सोच लो कि जन्म एक साथ ले रहे हैं तो जिएंगे भी साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ, नहीं भैया ऐसा नहीं है। तीनों का जन्म एक जगह हो रहा है लेकिन मृत्यु अलग अलग हो रही है। तो RBC की कहाँ पे हो रही थी मृत्यु, अपने देखा था स्प्लीन में, लेकिन WBC की मृत्यु कहाँ पे होगी? रक्त में ही हो जाएगी, ब्लड में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो वन लाइनर, RBC, WBC, प्लेटलेट्स जन्म लेते हैं बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में, और अगर बात करूँ RBC की मृत्यु कहाँ होगी, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में, WBC की मृत्यु कहाँ होगी, रक्त में, और अगर प्लेटलेट्स की बात करूँगा तो उसकी मृत्यु भी कहाँ पे होगी, रक्त में, ठीक है। अगर इसकी बात कर लें जीवन चक्र की, लाइफ स्पैन की, तो ये 2 से 4 दिन जिंदा रहता है, और RBC कितना देखा था अपन ने, 120 दिन तक, 90 से 120 दिन, और ये 2 से 4 दिन केवल मात्र। देखो वैसे तो WBC 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, पर आप दो नाम ध्यान रखना, वही इंपॉर्टेंट है। एक है लिम्फोसाइट, एक है मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट है वो बीमारियों से बचाती है एंटीबॉडीज बनाकर, हमने कहा ना WBC का काम क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना, तो उसमें से कौन सा टाइप एंटीबॉडीज बनाता है? लिम्फोसाइट, ठीक है, ये बीमारी से बचाती है एंटीबॉडीज बनाकर। और दूसरा क्या है? मोनोसाइट। ये आपके बॉडी का लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, कौन? मोनोसाइट। और ये काम क्या करती है? घाव भरने का काम करती है, हमने ये भी देखा था, ये घाव भरने के लिए मदद करती है। देखो ब्लड में WBC की मात्रा कम हो रही है तो उसे कहेंगे ल्यूकोपीनिया, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है। और अगर WBC की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसे कहेंगे ल्यूकेमिया। देखो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, याद नहीं हो पाते, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कैसे याद रहेगा। देखो अब ध्यान से सुनना, WBC का साइंटिफिक नेम क्या था? ल्यूकोसाइट। हमने कहा अगर WBC की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है तो क्या कहेंगे? ल्यूकोपीनिया। ज्यादा हो रही है तो ल्यूकेमिया। तो ल्यू तो सब में कॉमन है, WBC मतलब ल्यू। अब बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता हूँ पीनिया, जैसे मैं आपसे कहता हूँ पानी पी लिया, तो आप पानी पी रहे हो तो आपके में मात्रा बढ़ेगी पानी की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा होगा, यही हमारी ट्रिक है। अब पीनिया से आपको याद आएगा पी लिया, आप कोई भी चीज़ पियोगे तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और हमने क्या कहा यहाँ पे सब उल्टा होगा, तो बढ़ने की जगह घट जाएगी, ठीक है, तो WBC घट जाएगा अगर आप का क्या होगा, ल्यूकोपीनिया। भाई ल्यू तो सब में कॉमन है, तो पीनिया आता है तो घट रहा है। और यहां पे अगर दूसरे वाले में बात करें केमिया, तो केमिया मतलब कमी है, कमिया, सेम मिल रहा है कमिया, तो कमी से उल्टा चलेंगे तो बड़ा, यहां पे बढ़ रहा होगा कुछ ना कुछ चीज, हमने कहा यहां पे उल्टा हो रहा है, अगर कम बोल रहा है तो मतलब ज्यादा है, और ज्यादा है तो मतलब कम है, ठीक है। तो हमने उसी तरह से याद किया, पी लिया, कुछ चीज़ पियोगे तो बढ़ जाना चाहिए था लेकिन उल्टा होने के कारण वो कम हो रहा है, और कमिया, केमिया से कमिया मतलब कम होना चाहिए था लेकिन उल्टा होने के कारण बढ़ रहा है, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे ल्यूकोपीनिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब आपके सामने ऑप्शन आएंगे ना तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, अभी तो याद हो जाएगा, बाद में भूल जाओगे, तो अब नहीं भूलोगे, चाहे 5 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा लग गए लेकिन अब नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो
दोस्तों एक और चीज़ याद रखना कि WBC की कमी से कौन से रोग होते हैं, एड्स एक्वायर्ड अम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। भाई वैसे तो एड्स आपको पता है HIV वायरस के कारण होते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, ब्लड कैंसर। अब हो सकता है कुछ महाशय दिमाग लगाएंगे कि एड्स तो HIV वायरस के कारण होता है, बिल्कुल सही है जनाब, ठीक है। अब भाई हमने क्या कहा था, WBC क्या काम करता है, हमारी बॉडी में सबसे कम ब्लड में सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा RBC, फिर प्लेटलेट्स, फिर WBC। तो WBC एक सोल्जर की तरह है, एक सैनिक की तरह है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन से लड़ रहा है एंटीबॉडीज बना करके, ठीक है। अब HIV वायरस अंदर आया तो ये उनसे लड़ेगा। अब मान लो जैसे हमारे देश में सैनिक हैं, अगर वो कम हो जाए तो बाहर के जो दुश्मन हैं वो हमारे देश में आ जाएंगे और वो उनका राज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उसी तरह से हमने कहा WBC एक सैनिक की तरह है, अगर वो कम हो जाएंगे तो बाहर वाले वायरस अंदर आ जाएंगे और वो अपना राज फैला लेंगे, यानी कि HIV वायरस जिंदाबाद, तो फिर एड्स तो होना ही है, समझ में आ गया। और ब्लड कैंसर भी इससे होता है, याद रखना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन ए ब्लड में WBC को बढ़ाता है, अगर WBC कम हो जाए तो उसे विटामिन ए की खुराक दे दीजिए, WBC बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं प्लेटलेट्स की बात। देखो साइंटिफिक नेम फिर से शुरुआत करेंगे, RBC का क्या था, एंथ्रोसाइट, मेरे साथ साथ बोलो, जब पढ़ रहे हो ना तो यही याद हो जाएंगे। और दूसरा का क्या था, WBC का लिम्फोसाइट, और प्लेटलेट्स का क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट। देखो साइट 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 तीनों में आ रहा है, तो पहले का एंथ्रो, लिम्फो और थ्रोम्बो, ठीक है, तो इस तरह से याद हो जाएगा। देखिए न तो इसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है, ना ही पिगमेंट यानी कि रंजक। इसका जन्म भी बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में है, ये तो अपन जान ही चुके हैं, और ये WBC की तरह ही रक्त में ही नष्ट हो जाता है। इसका वर्क की बात करेंगे, काम की, तो ब्लड कोटिंग यानी रक्त का थक्का बनाने का ये काम करता है। भाई जब आपको चोट लगती है तो थोड़ी देर तक खून आता है और फिर खून आना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है, मतलब वहाँ पे आपका ब्लड, आप देखोगे कहीं भी आपको चोट लगी हो घुटने में तो रक्त गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, यानी कि वो वहाँ पे सेमी सॉलिड बन जाता है, अर्ध ठोस बोल सकते हैं, तो खून बाहर, अंदर वाला बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, ये आपकी नस है, मान लो वेसल है जिसमें खून बह रहा है, आपको यहाँ चोट लगी, ये टूट गई, अब खून बाहर आना चालू कर देगा, तो यहाँ पे ये क्या करता है, प्लेटलेट्स यहाँ पे एक जाल बना लेते हैं और फिर अंदर वाले RBC को बाहर आने से रोक देते हैं। जाल बन गया तो यहाँ पे आप देखोगे आपका खून कैसा हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा, वही सेमी सॉलिड बन गया, तो अंदर वाली चीज़ों को ये बाहर आने से रोक देता है, इसे ही कहते हैं ब्लड का कोट, खून का थक्का बन जाना, ठीक है। याद रहे, अगर डेंगू का वायरस शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो प्लेटलेट्स को खत्म कर देगा, इसीलिए हम कहते हैं कि डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, शरीर में कट लगने पर रक्त के बहाव को रोकना, कैसे, रक्त का थक्का बनाकर, ब्लड क्लोटिंग करके। और अगर बात की जाए डेंगू मच्छर की, मतलब डेंगू जो हो रहा है किस मच्छर के काटने से होता है, तो याद रखना एडीज एजेप्टी मच्छर के काटने से होता है। एक और चीज याद रखेंगे, अगर यहां थक्के की बात चल रही है, तो मानव में खून हेपेरिन की स्थिति के कारण नहीं जमता है, अगर हेपेरिन नहीं होता तो शरीर में खून जम जाता, तो ये याद रखेंगे हेपेरिन, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम टेस्ट लगा लेते हैं और देखते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है उसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है तो हम वो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है, तो हमने देखा था कितना होता है, 90% जल होता है, सबसे ज़्यादा जल होता है और 90 होता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी वाला। अगला क्या है, रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक यानी कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमने क्या कहा था, एक फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ संयोजी ऊतक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में यही दे रखा है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, ए वाला, संयोजी ऊतक। अगला देखते हैं, अगला है RBC का जीवन काल यानी कि लाइफ स्पान यानी कि कितने समय तक ये जीवित रहता है, 90 से 120 दिनों तक, तो ऑप्शन में हमें है 120 दिन, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी वाला, ये भी सॉल्व हो रहा है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, हमने देखा था किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, किसकी प्रेजेंस के कारण, तो आंसर होगा क्या, हेपेरिन, बिल्कुल सही। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपने बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन ध्यान से लगा लेना है, फिर आपको इस टॉपिक से कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो आंसर क्या होगा उसका, फेफड़े, यानी कि कहाँ पे होता है, फेफड़े में होता है, लंग्स में होता है, ये उसको फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है, ये फेफड़े उसको शुद्धिकरण का काम करता है। WBC की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाने पर क्या कहलाता है, अब देखो ये हमने ट्रिक से पढ़ा था, अब यहाँ पे वो हेल्प करेगा आपकी, हम ऑप्शन को देखते हैं, ल्यूकोसाइट तो उसका साइंटिफिक नेम होता है WBC का, और डी वाला जो ऑप्शन है एंथ्रोसाइट,
वो साइंटिफिक नेम होता है आरबीसी का। तो दो ऑप्शन बच गए, बी और सी में से आंसर होगा। तो ल्यूकेमिया और ल्यूकोपिनिया, तो ये एक आंसर है डब्ल्यूबीसी के बनने का और एक आंसर है डब्ल्यूबीसी के घटने का। हमसे क्या पूछा, डब्ल्यूबीसी का अधिक हो जाना, तो अधिक मतलब ज़्यादा, और हमने कहा था उल्टा होता है यहाँ पे, तो कम होने का आंसर होगा। तो कम हमें कौन सा आंसर दे रहा है, बी वाला ल्यूकेमिया, कम और उल्टा मतलब अधिक, तो आंसर क्या होगा, बी वाला ल्यूकेमिया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का मुख्य अर्थ क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है क्या, डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, हमने कहा सबसे कम होते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होते हैं, क्योंकि इसकी कमी से एड्स हो जाता है, कैंसर होने का खतरा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी कि एक तरह से इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो आंसर क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगला देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ऑब्वियसली बात है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। और अगर उसमें भी बात करूं तो उसमें क्या होता है, आयरन, और कौन सा वाला, Fe+2, ये हमने देखा था। अगला देखते हैं, देखो दोस्तों हर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और कहीं कहीं तो ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना उन पे। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ऑब्वियसली बात है स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। अस्थि मज्जा में तो ये जन्म लेते हैं। मानव वयस्क में कुल कितना रक्त होता है, तो हमने कहा था कितना होता है ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर, आंसर होगा सी वाला, ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज बात करूंगा तो 7 से 10% उसके वजन का। अगला देखते हैं, हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है, तो देखो ऊर्जा का उपयोग करना नहीं, बैक्टीरिया को समाप्त करना नहीं, ऑक्सीजन को समाप्त करना। देखिए दोस्त यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे आना चाहिए था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन करना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट ध्यान रखना, समाप्त करना नहीं होगा, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो आंसर हो जाएगा फिर सी वाला, ठीक है। अगर आप इसी को मान के चलते हैं तो फिर आंसर डी लगाना, ठीक है। मेरे से यहाँ लिखने में गलती हो गई है, यहाँ पे लिखना आना चाहिए था ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो आंसर होगा फिर सी, ठीक है। 3 बार पूछा गया है, मानव का रक्त का पीएच कितना होता है, तो देखा था कितना होगा 7.4, आंसर होगा बी वाला। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स किसी की भी बात कर लो कहाँ बनते हैं, अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में, मरते कहाँ है, आरबीसी मरता है स्प्लीन में, बाकी दोनों कौन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मरते हैं रक्त में। वह कौन सा जंतु है जिसकी आरबीसी में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है, तो कौन कौन से दो जानवर देखे थे, ऊंट और लामा, तो आंसर होगा ऊंट और लामा यानी कि बी और डी, यानी कि आंसर होगा ई वाला। अगला क्या है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में महिलाओं में रक्त की मात्रा क्या होती है, कम अधिक समान, यह कहना मुश्किल है, भाई आराम से कह देंगे कम होती है, और कितनी कम होती है ये भी बता देंगे, आधा लीटर कम होती है, ठीक है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं, देखो फ्रेंड्स ये नया क्वेश्चन है, अब मैं आपको यहां से एक पॉइंट बताता हूं कि क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हमसे कुछ चीजें छूट जाती है, ठीक है, तो वो हम कवर अप कर लेते हैं क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वीडियो देखना काफी नहीं है सही मायने में, वीडियो के साथ अगर क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं तो आपका काम पूरा हो रहा है। तो देखो मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर याद रखना बी वाला, हीमोफीलिया। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उस स्थिति को क्या कहा जाता है, हीमोफीलिया, ठीक है। अगला देखते हैं, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है, तो हमने देखा था क्या होता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण लोहा, आयरन, और वो भी कौन सा था, Fe+2, याद रखना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या होता है, तो हमने कहा था क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाता है, वो सोल्जर है हमारी बॉडी के, बस इतना सा ध्यान रखो, डब्ल्यूबीसी कम जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सोल्जर है, एंटीबॉडीज बनाते हैं, इन्फेक्शन से रक्षा करते हैं, डिजीज से रक्षा करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, तो आंसर होगा प्रतिजैविक उत्पन्न करना, सी वाला, डिजीज, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाना। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की आरबीसी का क्या होता है आकार में, मतलब अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की आरबीसी का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या अनचेंज रहता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप इनको रट नहीं सकते हो, ये दिमाग से ही सॉल्व होंगे। और देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अधिक ऊंचाई पर गए तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो आपकी जो अंदर की सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जाने की कोशिश करेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझो, जब आप दौड़ लगाते हैं, कभी दौड़ लगाना, नहीं लगाई तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो आप लंबी लंबी सांसें लेते हो और कोशिश करते हो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाए। देखो कैसे, अगर मैं दौड़ लगा के आया तो मैं ऐसे करूँगा, लंबी लंबी सांसें लूँगा, तो लंबी लंबी सांसें मतलब अपने फेफड़ों को ज़्यादा फुला रहा हूँ, ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, ठीक है। तो ऊपर जाने पे जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारा आरबीसी होता है, वो भी उसका आकार बढ़ जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जाने की कोशिश करेगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या होगा इसका, बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला देखते हैं, रक्त प्लाज्मा के, ये प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा नहीं है, रक्त प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन का निर्माण यकृत में
किस विटामिन की मदद से होता है? ये भी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, तो इसका आंसर याद रखना है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के इसका आंसर।